सूचना थी कि इनके ऊपर इनके कॉन्वॉय पर अटैक करके इनको छुड़ाने का प्रयास किया जा सकता है, तो उन संभावनाओं को देखते हुए हम लोगों ने सभी तरह की प्रिकॉशंस और लिए थे। और क्योंकि जब कोई मूवमेंट इस तरह के अपराधियों का होता है तो पुलिस इस मामले में बहुत ही सजगता बरतती है और लगातार वरिष्ठ अधिकारी इसका अनुश्रवण कंट्रोल रूम के द्वारा किया जाता है। नहीं, जो मैंने बोला मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस तरह के सूचनाएं थी कि इनको इनके कॉन्वॉय पे हमला करके पुलिस वालों को ओवर पावर करके या उस अटैक में वो कुछ भी कर सकते थे, ये अपने बदमाश को छुड़ा सकते हैं। जी नहीं, ये चीजें तो अभी विवेचना चल रही है और उनके लिए पुलिस का स्टडी रिमांड का प्रयास किया जा रहा है। जब हम पुलिस का स्टडी रिमांड लेंगे और हमारे पास जो सूचनाएं हैं उसको देखते हुए हम इस चीज़ों को पूरा, जब अभी हमारी विवेचना कंक्लूड नहीं हुई है और गुलाम का लगभग 8 आपराधिक इतिहास है, ये भी हम आपके साथ शेयर कर लेंगे और इसके नहीं, ये तो ऑपरेशनल डिटेल की चीजें हैं। अब हमारी तैयारी ऐसी थी कि वो कॉन्वॉय पर अटैक नहीं कर पाए। धन्यवाद। नहीं नहीं, वहां जहां पर मुठभेड़ की सूचना है, मैंने आपको बताया कि ये थाना क्षेत्र बड़ा गांव में परीक्षा बांध है, वहां पर ये मुठभेड़ हुई। जब आएगी तो सूचना आपको देंगे। जी वो आपको भी मिल जाएगा। थैंक यू। 2017 से जो मैंने अपने नंबर बताया तो हाँ हम आपको दे देंगे। किनकी? नहीं, अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, सभी उत्तर प्रदेश पुलिस के बहादुर जवान थे, बस ये। नहीं नहीं, ये तो रूट है, वो रुकने के बहुत सारे कारण होते हैं, किसी कारण से रुक सकते हैं, किसी नेचर कॉल के कारण रुक सकते हैं, हो सकता है कि कोई किसी को कुछ खाना हो, किसी को कोई और कार्रवाई करनी हो। झांसी एक बड़ी जगह है, वहाँ पे उस तरह की सुविधा है। नहीं नहीं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, हमारी टीम पूरी तरीके से इक्विप्ड थी, आपको बताया गया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो अभी मैंने कहा कि हमारे लोग वहाँ अभी FIR दर्ज करा रहे हैं, पोस्टमार्टम होगा, सभी चीजें जो PUCL की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से किया जाएगा, फिर आपको हम आओगे। धन्यवाद। किसका? नहीं, उनको पर्याप्त सुरक्षा उनके घर वालों को दी गई है।